पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से पूर्व अनुचित तरीके से बड़ी रकम लेकर उपलब्ध करवा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनू डॉक्टर तेजपाल सिंह व वरताधिकारी चिड़ावा सुरेश शर्मा के सुपरविजन में चिड़ावा थाना अधिकारी अनिल कुमार की अगुवाई में DST टीम इंचार्ज कल्याण सिंह मय टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि महिपाल पुत्र महेंद्र सिंह जाट निवासी किढ़वाना, प्रमोद पुनिया योग्यता कोचिंग चिड़ावा वाला एवं नरेंद्र जाट निवासी अगवाना खुर्द के द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से पूर्व अनुचित तरीके से बड़ी रकम लेकर उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। सूचना पर संदिग्ध महिपाल पुत्र महेंद्र जाट निवासी किढ़वाना थाना सूरजगढ़, नरेंद्र जाट निवासी अगवाना खुर्द, प्रमोद पुनिया पुत्र चंद्रपाल निवासी डालमियों की ढाणी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि व्हाट्सएप पर धोखाधड़ी की सारी कॉपियां और सारी चैट मिली है। 12 से 13 लाख रुपये में पास कराने की गारंटी ली गई थी। आपको बता दें कि आरोपियों को 2 दिन के PC रिमांड पर भेजा गया है। DST इंचार्ज कल्याण सिंह GSI को दौरानिगस्त सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति महिपाल पुत्र महेंद्र सिंह, प्रमोद पुनिया और नरेंद्र जाट की तीनों जो है पेपर पैसे लेकर और पेपर क्लोथ कराने की बात कर रहे हैं। इस नाम से लोगों से ठगी कर रहे हैं क्योंकि पेपर अभी चल रहे थे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही थी, जिसको लेकर के हमारे अधिकारियों ने बहुत सीरियस थे और आवश्यक निर्देश थे कि इन चीज़ों पर सख्ती से नज़र रखी जाए। इस सूचना के ऊपर उनकी रिपोर्ट पर उनको दर्ज किया गया था और तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।